दोस्तों फाइनली अब जो मैं आपसे कहा था हम अगले उसमें मिलेंगे। तो ये देखिए, ये हम जो देख हैं सात ताल रोड पे हम जा रहे हैं सात ताल की तरफ को। पहली वीडियो लंदी नौजा से लेकर मैं दो पार्ट बना दिए इसके। सात ताल जाएंगे, कायाकिंग करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट करेंगे, देखते हैं और क्या क्या हो पाता है। तो चलिए सात ताल की तरफ को। तो बहुत शानदार मौसम हो रहा है घूमने के लिए, सात ताल की तरफ पहुँच चुके हैं। तो जैसा आपको बता चुका हूँ वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए इसलिए मैंने, मेरे बाल खराब जा रहे हैं वहाँ से, लेंथी ना हो जाए इस मारे हमने सेकंड वीडियो शुरू कर दी थी। पीछे मयंक भाई हैं हमारे, कहाँ चले गए, अच्छा वो है। बढ़िया मौसम हो रहा देख सकते हैं और आज मैं सोच रहा हूँ कायाकिंग करने की। वैसे तो आप देखिए मौसम साथ थे तो कायाकिंग भी कर लेंगे। मेरे बाल को थोड़ा इग्नोर करिएगा इसमें। चलिए मैं आपको नीचे को ले जाता हूँ। इस तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था बारिश की वजह से ऊपर को नहीं जा पाए, मौसम ख़राब सा लग रहा था। सात की तरफ जा रहे हैं, बैंड आप देख ही रहे हैं। मौसम तो घूमने के लिए मतलब एकदम एक नंबर हो रहा है। अब देखिए नीचे जाते हैं, कायाकिंग करते हैं। ऑफ सीज़न सा है वैसे इस वक्त तो, क्योंकि बरसात में पहाड़ों की तरफ लोग कम ही आते हैं। और पीछे उधर एक लेक है, मैं आपको अभी आगे से बैक कैमरा से दिखा दूँगा। चलिए नीचे को, जहाँ से सात ताल की लेक शुरू हो गया मैं कुछ नहीं वो लेक देख रही होगी नीचे। ये सात तालों में से एक ताल ये भी है, देखो मयंक भाई का बहुत जल्दी हो रही है आगे जाने की। मयंक भाई कहाँ जा रहे हो? मयंक भाई मज़ा आ रहा है? मयंक भाई को मज़ा आ रहा है आज, मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। बार बार मैं वही कह रहा हूँ मौसम बढ़िया हो रहा है, क्योंकि वाकई बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है घूमने जाने जैसा। ये देखिए मैं भाई को, अभी तक तो आगे हमारे से आगे थे ये, पीछे हो गए। अब दो बैंड दूर है बस हम सात ताल से। और ये देखिए मेरे पीछे इस तरफ को आप देख सकते हैं, ये ऊपर फॉरेस्ट वाले के कॉटेज बने हुए हैं। चलिए एक चीज़ तो अच्छी है, मुझे यहाँ से झील में कायाकिंग करते हुए लोग दिख रहे हैं, तो शायद अगर हम भी करेंगे अब जाके कायाकिंग। तो चलिए, वैसे मैं पहली बार ही करूँगा, मैंने इससे पहले कायाकिंग करी नहीं है। और मैं भाई तुमने कायाकिंग करी है पहले? पता नहीं क्या कह रहा हूँ, आवाज़ सुनाई दे रही है। चलो उनके नीचे उतर के पूछेंगे अभी हम। सो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हम सात ताल लेक पहुँच चुके हैं। बोटिंग कायाकिंग वाले ने पूछना शुरू कर दिया और कायाकिंग बहुत हो रही है। चलिए हम भी चलते हैं उस तरफ को, हमको जाना है अभी उस सामने की तरफ को। और चलिए फिर फाइनली हम पहुँच चुके हैं सात ताल। ये देखिए पार्किंग, भीड़ देखिए, सॉरी गाइस वो फोन में बात करें इसमें शायद आवाज़ आपको आ रही होगी। चलिए अब हम पार्किंग में लगाते हैं, सीधे आपको नीचे जाके मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं सात ताल। मयंक भाई अपने बाल सही कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लेक की तरफ को। ये जी पीछे आप देख सकते हैं शॉप्स। वैसे होने को पार्किंग पीछे की तरफ को भी थी, हमने कहा जाम ना लगा करके हम थोड़ा साइड को लगाई, जैसे कि ईजिली कोई भी गाड़ी निकल जाए। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से बैक कैमरे से पूरी मार्केट दिखाता हूँ इस तरफ को। आइए अब हम जाएंगे नीचे को। मेन मोटो हमारा लेंस तो हमने कर ही लिया है। फ्रेंड्स लंच तो हमने, ऐसे हमने आपको कर ही लिया था रिजॉर्ट में। तो यहाँ तो हम ऐसे ही घूमने या कायाकिंग करने के पर्पज़ से आए हैं। हम आ चुके हैं नीचे की तरफ को, लेक की तरफ को। आइए आपको और पास से लेक दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे पीछे सारी ये है लेक, ये है हमारे मयंक भाई। और ये देखिए ये बलून, यहाँ तो बढ़िया मौसम। कायाकिंग जो है वो इस तरफ, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज के उस तरफ कायाकिंग हो रही है। उसका क्या फेयर है भी जाके पता करते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे नॉर्मल बोट्स खड़ी हैं। तो उस तरफ चलते हैं, वहाँ कायाकिंग का रेट पता करते हैं।
तो यहाँ सारी रेस्टोरेंट्स हैं, तो कुछ खाना पीना है, रिफ्रेशमेंट लेनी है, लंच का भी सारा है। ये गेम हम बचपन में बहुत खेलते थे, ये मुझे आज भी याद है। हम जब नैनीताल जाया करता था मैं, तब वहाँ पर मैंने बहुत खेला ये गेम। ये बलून भी है यहाँ पे, इसका भी मज़ा उठा सकते हैं। थैंक यू भैया। देखिए पे डक भी है। चलिए वो जो बीच उधर एक ब्रिज सा आपको दिख रहा है वहाँ चलते हैं। ओह माय गॉड, मर्सिडीज। ये देखिए यहाँ फैंसी क्लोथ्स पहन के जो अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अभी एक बहुत शानदार चीज़ जो आगे है मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब वहाँ शानदार ही है, वहाँ से एक बहुत बढ़िया व्यू आता है स्टेयर से ऊपर चढ़ के। चलिए उस सबको चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वो ब्रिज जहाँ मैं आपसे कह रहा था अभी। आइए, ये वो ब्रिज पर हम आ चुके हैं। और ये है, मेरे विचार देख सकते हैं, सारी कायाकिंग के लिए बोट्स हैं। अब क्या फेयर है इसका, मैं उस सबको जाऊँगा तो आपको बताऊँगा, सोच रहे करें अभी। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से कुछ यहाँ पे डक्स हम दिखाता हूँ। ये ऐसे कॉम्बिनेशन में ये डक्स जो हैं जा रही हैं। ये देखिए वो बलून यहाँ से, एक कुछ एडवेंचर पार्क टाइप का ये भी है, देख सकते हैं, मतलब सॉरी एडवेंचर स्पोर्ट टाइप का ये भी है। ये कुछ वायर है जो यहाँ पे ऐसे ये इस तरफ तक बंधा हुआ है। एक एडवेंचर और होने को, ये देखिए आप लेक में लाइफ जैकेट पहन के भी यहाँ पे डाइव जैसी मार सकते हैं। और वो सारी यहाँ पे कायाकिंग हो रही है उस तरफ को, अभी करते हैं, मैं पहले फेयर पता करके आता हूँ। दोस्तों ये एक नया एडवेंचर स्पोर्ट्स अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ है, आप लाइफ जैकेट पहन के, ये जो लेक है, जी हाँ ये एक लेक है, उसमें आप आराम से सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई आर्टिफिशियल लेक है, इसमें आप जा सकते हैं और जहाँ तक जाना चाहें जा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, पहले ये अलाउड नहीं था यहाँ पे। और वो बोट्स भी है कायाकिंग की सामने, जैसा आपको बताया अभी। अभी देखें, मौसम तो बढ़िया हो रहा है, बादल भी हैं लेकिन हल्की हल्की धूप है बीच में। करने का मन बहुत है लेकिन हमारा ऐसा कुछ पहले से सीन नहीं था यहाँ आने का, अभी हमारा जो है प्रोग्राम बनाया आने का। तो चलो चलो भैया, जम मारो मारो मारो, ये चलो भाई की बारी अब। ये देख के तो मज़ा आया। ये देखिए एक चीज़ और आ गई यहाँ पे, ये देखिए ये सब बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, आप सब कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है देख के, करने का भी मन कर रहा है, जैसा गर्म हो रहा है जिस हिसाब से। तो ये देखिए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ, बैक कैमरे से आपको दिखा चुका हूँ। दोस्तों ये देखिए जिसमें होना क्या है, अब ये अभी जो लेडी है ये वहाँ से वायर से यहाँ तक पहुँची हैं। अब वो एक तरफ से रोप को जो है पुल करते हैं, जिससे कि अब ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी में जाएंगी। ये देखिए खींच दो गई सारे को, डर लग रहा है। पहले अपने शूज उतार लेते हैं, फिर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, फिर आपको सीधे बोट पे मिलते हैं। दोस्तों फाइनली हमने टिकट बुक कर लिया है, मतलब ले लिया है, 200 रुपये पर हेड हमको पड़ा है। शूज उतार रहे हैं, उसके बाद हम बोटिंग करने जाते हैं, मतलब कायाकिंग करने जाते हैं। लाइफ जैकेट पहननी ज़रूरी है। और हम तीन लोग हैं, एक एक बोट में जाएगा, दो एक बोट में जाएंगे। चलिए हम उससे आपके बोट में और लेक में जाके मिलता हूँ। तो फाइनली हम कायाकिंग कर रहे हैं, ये देखिए मयंक भाई हमारे पीछे। मयंक भाई हम कहाँ को जा रहे हैं, सही जा रहे हैं ना? कोशिश तो वही है यार। वो देखो एक हमारा आदमी कहाँ है, वो है, अरे हेलो कर दो इधर को। ये देखो भाई का हमारे, मयंक भाई तुम कहाँ रह गए? अरे ये तीनों आ गए, मज़ा आ गया। हमारी तो बोटी रुक गई, चलिए मैं थोड़ा चप्पू मार लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। मज़ा आ गया। ये देखिए एक हमारे साथ ये है, दो हम हैं। राइट घुमाएंगे तो लेफ्ट को मुड़ेगी, लेफ्ट घुमाएंगे तो राइट को घूमेगी। बस पहले कहाँ को जाना है दोनों कोऑर्डिनेशन बनाओ। मैं सही चल रहा हूँ, मेरा ड्राइवर खराब है, सीधे जाना। समझ में आ गया, जो लोग बोटिंग कराते हैं उनकी कितनी आफत आती है। क्या चप्पू मारा है, अभी तक हम यहीं तक पहुँचे। देखिए मेरे पीछे वो ब्रिज है उधर, ये अकेले इतने मजे ले रहे हैं ना, ये अकेले अकेले हम लोग थक गए। और मेरा ड्राइवर एक ऐसा है, ये
होने को चला मैं रहा था अभी तक। सत्य वचन भाई। हाँ सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं भाई फिर से ट्राई करते हैं। चलो अब हम ट्राई करके आपको मिलते हैं। To my face while he's looking back, mirror breaks after math. When I hate, I attack. हालत नहीं हो रही मैंग भाई और तो मेरी चलाने की। हम अटक गए, हमारे साथ वाला आदमी वो कहीं पीछे उधर को गया हुआ है। वो अकेला है ना इसलिए आराम से चला रहा है। हम लोग अटक गए हैं, अटक नहीं गए हैं मतलब थक गए हैं, अभी बीचों बीच पर रुके हुए हैं। ये देखिए मेरी गर्दन अब सही आ रही है। ओहो चलिए आओ चलाएं आगे को। दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं कैकिंग करके और हालत टाइट हो चुकी है। अब पेमेंट करते हैं उसका, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, थकान लग गई है। दोस्तों फाइनली अभी हम अपने शूज़ हमने पहन लिए हैं और आगे को जा रहे हैं वापस, मतलब जहाँ मेन गेट ऑफ प्रोजेक्ट को जा रहे हैं। थकान लग गई बड़ी बुरी वाली। अब कुछ पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर चलते हैं हल्द्वानी की तरफ को। अब हम जा रहे हैं वापस बाहर की तरफ को। ये देखिए मेरी ज़िंदगी तो उसमें कट रही है, इन लोगों ने तो खाना खा लिया है। रश बहुत है, भीड़ बहुत है, टूरिस्ट काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है आजकल। सर चलिए मौसम अच्छा हो रहा है, अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ को, निकलने का टाइम भी हो गया है। आइए तो यहाँ पे कुछ ये टेंट बने हुए हैं, कैंप बने हुए हैं जहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं। वो देखिए पीछे वो वहाँ पे टेंट बने हुए हैं। और ये दोनों हैं ये प्राणी। मैंग भाई तुमने आज थका दिया मेरे को, तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो यार। वो देखिए कुछ वुडन कॉटेज भी दिख रहे हैं मुझे ऊपर वहाँ पे पीछे को। आवाज देखते हैं नेट से मारेंगे ये लोग, मैं तो नहीं मारूंगा, इनको छोड़ के जाऊँगा। ये दोनों यहीं रहेंगे। चलिए अभी थक गया हूँ काफ़ी, अब चलते हैं हल्द्वानी की तरफ को। तो उसमें वापसी में हम घर जाते हैं, हमको रास्ते में गरुड़ताल पड़ता है तो वहीं रुक गए थे। मयंक भाई तुमको गरुड़ताल देखना था ना? हाँ बोलो। मयंक भाई को देखना था, मतलब मैंने तो देखा हुआ है, इसको दिखाना था तो हम आ चुके हैं। अब वहाँ से देखते हैं आपको, फिर बैक कैमरे से दिखाते हैं। वो गरुड़ताल, ये पूरा जंगल इधर को, ये देखिए ये है गरुड़ताल। एक रास्ता वो है, एक रास्ता जहाँ से हम नीचे उतरे हुए हैं, ये पीछे देखिए ये है गरुड़ताल। चलिए ऐसा कुछ खास यहाँ पे है नहीं, अब समय हो गया वापस जाने का, चलते हैं ऊपर को वापस। हम तो आगे निकल चुके हैं, मैं इनके पीछे जब ब्लॉक करते हुए जा रहा हूँ। तो चलिए जैसे आपको झील दिखाई दी कैसी है, अब चलते हैं वापस। तो मैंग भाई तुमने देख लिया गरुड़ताल? बिल्कुल यार, धन्यवाद है नमन भाई, देख लिया ना? अगर तुम नहीं होते मैं गरुड़ताल। थैंक यू। तो यहाँ पे वैसे तो मतलब जो झील है बताते हैं काफ़ी गहरी है, इस तरफ को कुछ नहीं। पहले यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते थे लेकिन कुछ हादसों के बाद सब यहाँ आना सब बंद कर दिया है, वायर लगा दिए हैं, लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हमने भी जहाँ से पब्लिक देख रही थी नॉर्मल वहीं से देखा और वापस जा रहे हैं अब। तो चलिए अब मयंक भाई को बाय करने का टाइम आ चुका है, इनको हम रास्ते में छोड़ेंगे और वहीं से हम चले जाएंगे हल्द्वानी तरफ को। चले जाएंगे कहाँ की तरफ को? अपने घर की तरफ को मतलब। तो चलिए फिर टिल देन टेक केयर। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने का समय आ गया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को। टिल देन बाय बाय बाय। मयंक भाई को हमने छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं बाय। ओके अब जा भी, जाता क्यों नहीं, जा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।